छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई शहर को चार बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने शनिवार को पावर हाउस स्थित नव निर्मित मदर्स मार्केट, सीमार्ट, वाटर क्लिनिक और गौरवपथ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मांगलिक भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान भिलाई के महापौर नीरज पाल ने मुख्यमंत्री से शहर के तालाबों व सड़कों के विकास के लिए मद की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई शहर को चार बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक का लोकार्पण जहां किया, इससे 10,000 लोगों को प्रतिदिन पीने के लिए शुद्ध पानी मिल सकेगा। वहीं मदर्स मार्केट का लोकार्पण किया। मदर्स जोन 3 वार्ड नंबर 33 में स्थित डॉक्टर बीआर अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन का भी उद्घाटन विधिवत किया गया। सीएम ने महापौर नीरज पाल की मांग पर तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ व प्रत्येक जोन के लिए 1-1 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की। 3 करोड़ में निर्मित सर्व समाज के लिए बना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन का भी निर्माण 3 करोड़ में किया गया है। सीमार्ट में 719 तरह की सामग्री उपलब्ध है। सीमार्ट का लोकेशन शानदार और यहाँ विविध वैरायटियां होने की वजह से लोगों को गुणवत्ता युक्त सामग्री सस्ते दामों पर मिल सकेगी। अभी वर्तमान में 719 प्रकार की सामग्री यहां पर उपलब्ध कराई गई है। वही मदर्स मार्केट में 27 दुकानें निर्मित की गई है, जिसमें 21 दुकानें स्वसहायता समूह की महिलाओं को आवंटित की गई। कैंपस में महिला यहां पर बढ़ चढ़ कर व्यवसाय करेगी। रहे भिलाई मदर्स मार्केट और उसमें काम करने वाली महिला स्व सहायता समूह की बहनों का अधिकार और उनका जीवन। बहरहाल मदर्स मार्केट खुलने से महिलाएं आत्मनिर्भर होगी और अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छे से कर सकेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।